हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिल्पा और मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो आप उन्हें कैसे रोक सकते हैं, मैंने अपने बालों को झड़ने से कैसे रोका है। मैं आज आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी जिसे आप भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आजकल हर कोई व्यक्ति बाल झड़ने से परेशान है, तो मैं आपको बताती हूँ कि आप इसे कैसे रोक सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें अपने बालों पे हेयर ऑयलिंग ज़रूर करनी चाहिए। एटलीस्ट वीक में एक बार हमें हेयर ऑयलिंग ज़रूर करनी चाहिए। हेयर ऑयलिंग से हमारे बाल स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं जो आपको सूट करता है। मैं पैराशूट हेयर ऑयल या फिर डाबर आमला हेयर ऑयल यूज़ करती हूँ। आपको जो ऑयल सूट करता है आप वो यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप चाहे तो ऑयल को थोड़ा सा गर्म करके भी यूज़ कर सकते हैं, इससे भी आपकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम कम होगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप विटामिन ई के कैप्सूल अपने हेयर ऑयल में ऐड कर सकते हैं। जितने आपके हेयर की लेंथ है उसके अकॉर्डिंग इसे ऐड कीजिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप शैम्पू एक ही रखें, अपना शैम्पू बार बार चेंज ना करें। अगर आप बार बार शैम्पू चेंज करेंगे तो इससे भी आपकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो सकती है। और फ्रेंड्स, कंडीशनर ज़रूर अप्लाई कीजिए। अगर आप कंडीशनर अप्लाई करेंगे तो आपके बाल स्मूथ, सिल्की एंड टेंगल्स फ्री होंगे। आपको अपने बालों पे स्ट्रेटनिंग ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, इससे भी बाल कमज़ोर होते हैं। फ्रेंड्स, आपको बाल नेचुरल तरीके से ही सुखाने चाहिए। आपको अपने बालों पर ज़्यादा ड्रायर नहीं करना चाहिए, इससे भी बाल कमज़ोर होते हैं। फ्रेंड्स, आप अपने बालों पर इसके अलावा दही अप्लाई कर सकते हैं। दही लगाने से हमारे बाल नेचुरल कंडीशनर हो जाते हैं, हमारे बाल स्मूथ, सिल्की एंड लॉन्ग होते हैं। तो आप चाहे तो दही भी अपने बालों पे हेयर वॉश करने से पहले अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने हेयर वॉश करने के बाद सीरम अप्लाई कर सकते हैं। सीरम अप्लाई करने से हमारे बालों में टेंगल्स बिल्कुल भी नहीं पड़ते। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये सारे टिप्स अपनाएंगे तो आपके बाल लॉन्ग, स्ट्रॉन्ग एंड शाइनी बनेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए।